अगर 50 कमेंट्स आते हैं ना तो भाई सेम मॉडिफिकेशन अपने ऑरा में भी कराएंगे। उसने तो गिव अप कर लिया, मुझे नहीं बनना पिलियन R15 V3 का। टायर्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मैं तो भाई 100-120 मस्त भगा रहा हूँ। काम को ही निकलना चाहिए क्योंकि धूप बहुत ज्यादा लग रही है। मैंने अपने हेलमेट का ना वाइजर चेंज कर दिया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज सुबह के बजे 7:30 और हम लोग निकल रहे हैं अभी घर से इंतजन गांव से और जा रहे हैं हम लोग अभी मुंबई रिटर्न। तो कल यहाँ पे ना बारिश गिरी थी तो मौसम काफ़ी सही बना हुआ है, एकदम ठंडा क्लाइमेट बना हुआ है। तो अभी हम लोग रिटर्न निकल रहे हैं, रास्ते में बहुत प्यारे व्यूज़ है। जैसे मेरा माइक अडैप्टर काम नहीं कर रहा तो आपको ऑडियो नहीं आएगा, बट सीनरी एंजॉय करो भाई, बहुत प्यारा रोड है। भाई अभी पूरा का पूरा हाईवे रहने वाला है, अपना जो मस्त वाला रोड था वो खत्म हो चुका है। अभी आया था मैं एक्चुअली अपने एक मौसी से मिलने के लिए, अभी रिटर्न निकल रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर और उसके बाद मस्त हाईवे मिलने वाला है। सीजन के साथ तो इतना नहीं भगाऊंगा पर 120 तो बनता है, बाकी रोड पे डिपेंड करता है भैया। भाई दोपहर के 1 बजने वाले और अभी हम लोग पहुंचे हाईवे पे। अब आप लोग सोचोगे भाई इतना टाइम क्यों लग गया, तो वही अपने नानी का प्यार ने रोक लिया, नानी ने रोक लिया, खाना वाना खा लिया हम लोग ने और अभी हम लोग निकल रहे हैं। और निकलते हम लोग गए थे थोड़े मैंगोज निकालने के लिए। अभी फिलहाल तो आपको मैं दिखा नहीं सकता, रुक के हाईवे पर हूँ, बट आप साइड में मिरर में देख सकते हो। तो एक जैक फ्रूट लिया है मस्त बड़ा वाला और कुछ आम हमने पेड़ पे से निकाल के लिए। वैसे तो हम लोग मार्केट से भी ले सकते हैं पर इसका थोड़ा अलग ही मज़ा होता है, इसलिए हमने पेड़ पे से मस्त उतार के लिए जाके। तो मज़ा आया। अभी निकल रहे हम लोग रिटर्न घर के लिए, काफ़ी धूप है, दोपहर का टाइम है और समर में भाई धूप में अपने यहाँ पर राइड करना ना भाई हालत ख़राब करने वाला काम है। तो व्लॉग तो मैं ज़्यादा करने नहीं वाला, फटाफट से चलते हैं सीधा घर पे, मज़े करेंगे, थोड़ा गाड़ी भगाएंगे पर सेम टाइम पे अपने को कंट्रोल में चलना पड़ेगा क्योंकि भाई को पकड़ने नहीं जमने वाला। उसके हाथ में भाई आम का बॉक्स है और साथ में जैक फ्रूट भी है। लेट्स गो। मॉड करिए बंदे ने, मस्त लग रहा है। लगता है अपने में भी कराना पड़ेगा अभी ये सब लॉन्ग राइड्स के लिए। व्हाट यू से गाइस, कमेंट करके बताओ। अगर 50 कमेंट्स आते हैं ना तो गाइस सेम मॉडिफिकेशन अपने और में भी कराएंगे। बंदा मारता है लॉन्ग राइड्स तो मारता है, उसने टैंक पे ही बना रखा है मैप। भाई साहब दोपहर के बज रहे 2:40, हम लोग निकले थे 12:40 को, 2 घंटे हो चुके, हमने ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर कवर कर लिए। अभी रुके थे औरा को ना एक्चुअली रिफ़िल कराने के लिए, औरा की प्यास बुझाने। हम लोग ने भी एक ब्रेक लिया था पानी वगैरह पीने के लिए, पानी लस्सी और माजा पता नहीं क्या क्या पी लिया क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया था भाई, तो हाइड्रेशन ज़रूरी है। तो हाइड्रेशन के लिए एक ब्रेक लिया था हमने बीच में, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि गोप्रो का ना चार्जिंग खत्म हो गया था, तो गोप्रो को रख दिया था मैंने चार्ज पे। और अभी ना फाइनली हमने पेट्रोल डाला लिया, रिफ्यूल कर लिया और हमें 500 का ही तेल डलाया, लेकिन भाई इनफ है, मोर देन इनफ है घर जाने के लिए। अभी तो इसके बाद बचे रहेंगे कुछ 60 किलोमीटर्स, तो घर जाने के लिए हमें लगेगा एक डेढ़ या 2 लीटर फ्यूल मैक्स। तो हमने 500 का तो डला लिया, आगे जाके भी यूज़ होना ही है, तो कोई बात नहीं। अभी देखो इतना सारा सामान हम लोग कैरी करके जा रहे हैं, वैसे तो भाई पकड़ा हुआ है तो उसकी हालत ख़राब हो रखी है भाई, उसने तो गिव अप कर लिया, मुझे नहीं बनना पिलियन R15 V3 का, ऊपर से साथ में भाई इतना सामान भी है ना। एक्चुअली मैं हम लोग को नहीं लाना चाहिए था ऐसे अभी लग रहा है, लेकिन भाई मन बहुत कर रहा था, अभी जंगल से जाके तोड़ के लेके आए थे तो मन था तो लेके आ गए। इसमें जैक फ्रूट है और इसमें हमने आम डाले हुए मस्त, कुछ हापूस और कुछ सादे भी है, पर चलो अब ले आए तो अब लेके चले जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि जो भाई खुद निकाल के लेके आते हैं ना वो खाने को ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसे मार्केट से लेके आने में मज़ा नहीं आता, पर अब उसके बदले कुछ तो सहना पड़ेगा ना भाई। सो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है सही चल रहा है, टायर्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं
ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल रही है। मैं तो भाई 100-120 मस्त भगा रहा हूँ, पर मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं व्लॉग नहीं कर सकता, मोटो व्लॉग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ना माइक अडेप्टर चल नहीं रहा भाई। मैं डर गया था, मुझे लगा गिर गया भाई, मेरा ना माइक अडेप्टर चल नहीं रहा, तो फिलहाल के लिए मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ सीन्स प्यारे प्यारे लग रहे ना वो रिकॉर्ड ज़रूर कर रहा हूँ। तो मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा इस राइड पर। मैं सोच रहा था ना शाम को राइड करनी चाहिए, मतलब शाम को ही निकलना चाहिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ा सा ना भाई ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं निकलना चाहिए था, गलती करा। लेकिन एनी हाउ चलो, अभी दोपहर में है तो हम लोग ज़्यादा स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा रोड पे गाड़ियाँ भी कम है, शाम को फिर वही ट्रैफिक हो जाएगा, रोड क्लियर दिखता भी नहीं है शाम के टाइम में, तो उससे अच्छा कि वेल एंड गुड चलो निकल रहे, कोई बात नहीं, अभी और एक घंटे में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। धूप से थोड़े जलते हो गए पर सह लेंगे थोड़ा। चलो लेट्स गो, निकलते हैं अभी, क्योंकि और हमें ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स कवर करने हैं। लेट्स गो। बड़ा धोखा मत देना। ओह क्या बात है भाई, इसका बैटरी ना डेड हो चुका है, अब इसका बैटरी चेंज करना है। और इतना चलाने के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी है ना, इसमें सबसे पहले कुशनिंग करानी है, सीट भी दोनों, और यहाँ पर भी स्पंज डलाने वाला हूँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी वही है, उसके बाद सारे मॉड करेंगे भाई। मैं तो धूप से जल के एकदम काला हो गया, वो काला काला भाई देख रहे हो, पर मज़ा आया बहुत भगाने के लिए। आज तो कॉन्स्टेंट नहीं चला रहा, भाई को दिया ही नहीं गाड़ी चलाने, उसको बोला वजन पकड़ और एंजॉय कर। एनीवेज लेट्स गो, चलो चलते हैं अभी घर की ओर, और थोड़ा मज़ा लेते हैं। और आगा अभी तो कंप्लीट रोड बना नहीं है, रोड कंप्लीट बन जाएगा ना उसके बाद तो जो मज़ा आएगा ना भाई, इसे 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, रोड बनने के बाद तो भाई 2 घंटे में हम लोग रोड कंप्लीट कर देंगे। भाई टाइम हो रहा है शाम के 4:07, हम लोग निकले थे 12:40, ऑलमोस्ट 3 घंटे हमने उल्लासनगर क्रॉस कर लिया है। उल्लासनगर में अभी हम लोग अभी रुके हुए नींबू शिकंजी पीने के लिए, क्योंकि भाई डिहाइड्रेशन हो गया था रिटर्न से, तो प्यास बुझाते हैं और आगे निकलेंगे। इस व्लॉग को तो अभी यही पे एंड कर रहा हूँ, उससे पहले गाइस आप लोग ने कुछ नोट करा कि नहीं करा, मैंने अपने हेलमेट का ना वाइजर चेंज कर दिया है, मैंने जो नया वाइजर लिया था ना वो वाला मैंने डला दिया था, लेकिन उसके साथ में मैंने इसको रैप करा के लिया था, येलो टिंट कराया था ताकि नाइट में मैं राइड कर पाऊँ, तो ये उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो इसको ना शायद मैं निकाल दूंगा जल्दी से। बाकी गोप्रो भी डेड हो चुका है और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो अभी के लिए आपको यहीं पे एंड कर रहा हूँ, पूरा जल चुका हूँ मैं तो, जाके मस्त नींबू शिकंजी पीता हूँ। ये चीज़ ना अमृत है इतने धूप में, आपके यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ पे तो नींबू शिकंजी बोलते हैं, आपके यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता पता नहीं भाई, अगर नहीं मिलता तो आई एम सो सैड फॉर यू। शिकंजी पीता हूँ, हाइड्रेट करता हूँ उसको और फिर घर पे निकल जाऊँगा। यहाँ से घर का रास्ता बस 10-15 मिनट ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 15 मिनट का रास्ता है बस अभी, तो बस इस ब्लॉग को ये पेंट कर रहा हूँ, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।